हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हो। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द ऑल न्यू जावा 42 एंड द ओल्ड जावा 42। करंटली अगर आप देखो तो शोरूम्स में दोनों बाइक्स अवेलेबल हैं, न्यू जावा 42 भी एंड ओल्ड जावा 42 भी। तो आप कोई भी बाइक ले सकते हो, बट प्रॉब्लम इज कौन सी बाइक लें, बिकॉज अगर प्राइस भी देखें तो दोनों बाइक्स का लगभग सेम ही है, अराउंड 1.99 लाख की आपको पड़ जाती है। एक शोरूम लुक्स एंड डिजाइन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइक्स की। लाइक अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की ही बात करें तो दोनों बाइक्स में ही आपको राउंड शेप हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है विद हैलोजन इंडिकेटर। बट अगर आप न्यू जावा 42 के इंडिकेटर्स को ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्लियर लेंस मिलता है इंस्टेड ऑफ कलर्ड। नेक्स्ट नीचे अगर आप देखो तो आपको न्यू जावा 42 में जो फ्रंट मडगार्ड है थोड़ा सा अलग मिलता है एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। टायर्स आपको दोनों बाइक्स में ट्यूबलेस ही मिलते हैं, इवन टायर साइज भी सेम है। फ्रंट में आपको 90x90 R18 का फ्रंट टायर मिल जाता है एंड रियर में आपको काफी बढ़िया 120x80 R17 का रियर टायर मिल जाता है। एंड इन्हीं के साथ अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें कि आपको फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। फ्रंट में आपको 280mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती है एंड रियर में आपको 240mm की रियर डिस्क ब्रेक मिलती है। सो ब्रेकिंग सिस्टम एंड टायर साइज दोनों बाइक्स में सेम है, बट अगर हम सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। बेसिकली जो ये न्यू जावा 42 है इसमें जो आपको फ्रंट सस्पेंशन है इनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल मिल जाता है एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। एंड इसी की वजह से कह सकते हैं कि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है न्यू जावा 42 की बेसिकली वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। इसके अलावा सब सेम है, दोनों बाइक्स में ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मिल जाते हैं एंड रियर में आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है विद प्री लोड एडजस्टेबिलिटी। बाकी रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती हैं दोनों बाइक्स में ही, बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो न्यू जावा 42 की टेल लाइट है वो थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। इसके अलावा सब सेम है, दोनों ही बाइक्स में आपको सेम डिजाइन पैटर्न के साथ टेल लाइट मिल जाती है विद हैलोजन इंडिकेटर। नेक्स्ट इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया गया। न्यू जावा 42 में आपको वही सेम 294.72cc का सिंगल सेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी इवन अगर हम परफॉर्मेंस की भी अगर बात करें तो सेम वही है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 27.32 PS की मैक्सिमम पावर एंड अराउंड 26.84 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। सो इंजन सेम ओल्ड जावा 42 वाला ही है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इस न्यू जावा 42 में आपको जो इंजन मिल रहा है इसमें थोड़ी बहुत आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाती है, पर ओल्ड जावा 42 में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसमें आपको कम्प्लीटली ब्लैक इंजन ही मिलता है एंड नॉट ओनली दिस, ओल्ड जावा 42 में आपको कोई भी इंजन गार्ड वगैरह भी नहीं मिलता, जबकि न्यू जावा 42 में आपको इंजन गार्ड भी मिल जाता है। हालांकि मेटल का नहीं है बट स्टिल कुछ तो है। एंड इवन अगर आप इसके फुट पैक्स देखो तो न्यू जावा 42 में आपको थोड़े डिफरेंट फुट पैक्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। बाकी एग्जॉस्ट पाइप की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप्स मिल जाती हैं। एग्जॉस्ट नोट दोनों ही बाइक्स की लगभग सेम है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो न्यू जावा 42 में आपको अराउंड 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि अगर हम ओल्ड जावा 42 की बात करें तो इसमें आपको अराउंड 14 लीटर्स का काफी बढ़िया मैसिव फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। तो ये एक ऐसा मेजर डिफरेंस है जो आपको दोनों बाइक्स में मिलता है। लुक वाइज भी अगर आप देखो तो दोनों ही बाइक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूल टैंक्स देखने को मिल जाते हैं। न्यू जावा 42 में आपको काइंड ऑफ जो 42 बबर मिलता है वैसा आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जबकि ओल्ड जावा 42 में आपको काइंड ऑफ राउंड शेप में मस्कुलर टाइप फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड यही अगर हम हैंडल बार्स की भी अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको कम्प्लीटली सेम हैंडल बार्स मिलते हैं, सेम स्विच गेट्स आपको इन पर मिल जाते हैं। बस एक स्लाइटली डिफरेंस आप कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, अगर आप न्यू जावा 42 में देखो तो ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी में मिलता है एंड इस पर जो एडजस्टमेंट के लिए लॉक सिस्टम है इसको भी कवर कर दिया है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो न्यू जावा 42 में आपको हैंडल बार माउंटेड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि ओल्ड जावा 42 में आपको स्टॉक बार एंड मिरर्स मिलते हैं। प्लस अगर आप इसकी ग्रिप को देखो तो इस पर आपको जावा की बैचिंग भी मिल जाती है, जबकि न्यू जावा 42 में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सीट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल सीट ही मिलती है, बस जो डिफरेंस है वो डिजाइन पैटर्न का है, अदरवाइज दोनों ही बाइक्स में कम्प्लीटली सेम ही सीट आपको मिल रही है। एट द एंड अगर हम बात करें कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है, तो अगर आपको एक ऐसी क्लासिक बाइक चाहिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक्स भी मिल जाए एंड जिसमें इवन आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सको, तो आपके लिए जो न्यू जावा 42 है सबसे बेस्ट होने वाली है, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक्स भी मिल जाती है एंड इसमें आपको काफी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है एज कम्पेयर टू ओल्ड जावा 42। बट अगर आपको एक प्रॉपर रेटो क्लासिक मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें कि आपको एक बढ़िया फ्यूल कैपेसिटी भी मिल जाए, तो आपके लिए जो ओल्ड जावा 42 है वो सबसे बेस्ट होगी, बिकॉज इसमें आपको एक प्रॉपर रेटो क्लासिक लुक्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको काफी
काफी बढ़िया ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक मिल जाता है एज कम्पेयर टू न्यू जावा 42। बाकी तो आप बताओ आपको कौन सी बेटर लगी, न्यू जावा 42 या फिर ओल्ड जावा 42। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, आप लोग भूल जाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ।